I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away. Hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to another Quirky vlog. Today Quirky is in Mumbai. I'm here with Femina and Mama Earth for the Beautiful Indian Awards. I am so excited. Last year bhi mujhe bahut maza aaya tha. I was one of the nominees and I actually won. So mere is event ke saath, is shahar ke saath bahut achhi yaadein hain. This time a lot of my friends are nominated and I'm really like cheering up for them. Saima is there and I'm just really excited to meet my Mumbai friends. Ek durghatna mere saath ghat gayi hai. Main aate time na lens lagane ki koshish kar rahi thi and maine apna eyes ka lens faad liya. So now I don't have lenses to wear at the event tonight. आज ही रात को इवेंट है. मैं अभी लैंड हुई हूँ एंड आ गई. यहाँ पे आधे घंटे का रास्ता था. आई एम स्टेइंग हेयर एट सेंट रेजेस बाय द वे, जो कि लोअर परेल में है. सो या दैट इज़ गोन बी इंटरेस्टिंग. अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम एंड मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था. वी हैड अ वेरी स्मूथ फ्लाइट तो मज़ा तो काफ़ी आया. बट द मिशन इज लंच करना है, साथ में हमें लेंसेज लाइक सारी ऑप्टिकल शॉप्स को फ़ोन करना है. आई विल आस्क ईशान टू डू इट. ईशान इज़ विद मी बाय द वे. सो वो कॉल करेगा सबको एंड पूछेगा कि मेरी आई साइड के नंबर का उनके पास लेंस है या नहीं है. एट दिस पॉइंट आई डोंट इवन केयर कि मेरे कलर्ड लेंसेज है या नहीं है. आई जस्ट नीड समथिंग जिससे मैं देख सकूँ और अंधी बन के ना जाऊँ. बस दैट इज़ इट. So yeah, that is what I wanted to share with you guys. That is the update on Mumbai right now. Today is 18th and मैं 20th को वापस जा रही हूँ. So मेरे पास कल का पूरा दिन होगा ऐसे मुंबई भ्रमण के लिए. We might have plans with Ishan's friends. I don't know. शाम को 20th को हमारी फ्लाइट बैक है. I'll be back to Delhi in no time. Guys, we just made the call to यहाँ लोअर परेल में मार्क ऑप्टिकल्स करके है. ईशान मेड द कॉल बिकॉज आई कांट. बट पहली शॉप पे फोन किया एंड हमें लेंसेज मिल गए. सो वॉट एम डूइंग इज आई एम गेटिंग वन क्लियर वाला लेंसेज का बॉक्स बिकॉज वो रेडिली एकदम अवेलेबल होता है शॉप पे. एंड वो कह रहे हैं कि शाम 6-7 बजे तक वो मेरे को कलर्ड लेंसेज भी दे देंगे, विच आई प्रेफर वेयरिंग ड्यूरिंग इवेंट्स क्योंकि उसमें ना आई मेकअप ज्यादा पॉप करता है. सो वो 7 बजे तक दोनों डब्बे दे देंगे. उससे पहले भी जाके इफ आई वॉन्ट टू क्लियर लेंसेज कलेक्ट कर सकती हूँ. सो पहली कॉल में बात बन गई है. आई एम जस्ट रियली रिलीव. नाउ आई कैन हैव माई लंच इन पीस. यहाँ पे फेमिना और मामा वालों ने हमें अमेनिटीज भी दी हुई है कि हम लंच वगैरह मंगाना चाहे खाना चाहे वो सब है इंक्लूडेड. एंड कल का ब्रेकफास्ट भी होगा साथ में. इफ आई वॉन्ट के कुछ लॉन्ड्री कराना हो, कुछ आयरन कराना हो बिकॉज इट्स एन इवेंट, पीपल आर गोना ब्रिंग देयर ड्रेसेस आउट. सो उसके लिए भी सारी फैसिलिटीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज सो कंसिडरेट. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी एंड आई एम फीलिंग पैम्पर्ड. यहाँ पे आते आई जस्ट ओपन्ड माई लगेज. द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू हैव टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इज आके अपने सारे कपड़े लत्ते यहाँ पे टांग लो. सो आई हैव दिस मेन ड्रेस जो कि अच्छा है, आपको दिखने रही है तो फाइनल लुक रिवील बाद में होगा. आई पुट ऑल द एक्सेसरीज एंड शूज वगैरह हेयर टू गो विद इट. एंड या यहाँ पे बाथरूम भी है, मुझे पूरा खोलने पे पता चला. सो इसको मैं यहीं टंगने दे रही हूँ. वैसे तो लॉन्ड्री और आयरनिंग फ्री है बट मेरी ड्रेस इज डूइंग प्रिटी गुड. आई थिंक बिल्कुल भी सिलवटे नहीं पड़ी है पैकिंग और ट्रैवलिंग के टाइम पे. सो आई एम जस्ट गोना लेट हर बी. स्पेगेटी पोमोडोरो. You are learning the pronunciations of the pastas because I want to have pasta. I'm not ready to make the call, so I'm telling you this. Immediately order कर. We placed our lunch order, pasta वगैरह हमने काफी चीजें मंगाई हैं. मैं आपको अभी दिखाऊंगी. But as soon as I entered, I met the Mama Earth team and they gave me this. उन्होंने कहा कि we were gonna come but आप हम यहाँ पे दिख गए हो, तो let's give you your hamper. Ooh, oh my God, so many goodies. Just look at the amount of goodies. Literally. Everything that you need to get ready for the event, like from skincare to all of these things, जो कि makeup का part होंगी. So I'm definitely gonna use some of them in my today's look. I'm really excited to use this. If you're heading for the coast, all right.
right, you guys, this is the night time. Actually, I'm a little late, but it's okay. सारे celebrities late ही आते हैं. But quickly wanted to show you guys my outfit. I filmed a get ready with me, so उसके लिए wait करना for the details of this outfit. This outfit is actually really special to me because it has a story. I'm taking this blingy outhouse bag. I loved it, and you know I had to add some bling and gold. So yeah, इस बार I've kept things classy with a little bit of bling, and I think it goes perfectly with my nails and everything. This is the makeup. I think this looks fantastic, and bathroom ki lighting bhi best hoti hai. So matte hi rakha hai maine, halka fulka dewy, and this is the eye makeup. I'm wearing my gold earrings and ye saath mein choker because I love chokers. And this is what Mr. Ishan looks like. Very gentlemanly. This is amazing. हम काफी रॉयल लोग लग रहे हैं एंड लेट हो गए, सो लेट्स जस्ट गो एंड मीट आवर फ्रेंड्स इन मुंबई. सो नर्वस, हमेशा इवेंट में एंटर करने से पहले मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाती हूँ, एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, बट लेट्स गो. ऑल राइट, इट्स टाइम टू लीव द लिफ्ट एंड एंटर द इवेंट. What's up? अच्छी तो हमेशा लगती है, बट यू लुक डिफरेंट एंड बहुत इन अ गुड वे. थैंक यू. मेरे दुपट्टा पड़ा है, मेरा तो कुछ भी नहीं पड़ा, समर कर जाता ही नहीं. हाँ, घर से दुपट्टा, लेकिन हाँ होता है, पड़ोसियों को लगनी चाहिए एकदम संस्कारी हो गए. Thank you.
कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू मामा, आपके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लगता है। कोई शक। सिक्योरिटी को बोले थे मेरे फैंस को बाहर मत निकाल दिया। सो आई थिंक दीस स्मॉल थिंग्स फॉर मी मैटर अ लॉट। आप कहीं भी जाओ, इफ यू कैन होल्ड ऑन टू योर पर्सनालिटी, आई थिंक फॉर मी दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी और अ नोन पर्सन और समबडी हु हैज सम सॉर्ट ऑफ रीच वर्ल्ड वाइड। नहीं यार, उनका फेयर वर्क भी नहीं है। हाय मैम, अरे व्हाट्स हैपनिंग मैन, ठीक है, चल क्या रहा है? Supporting the cause, मतलब साढ़े ग्यारह प्लीज तुम तो सपोर्ट करो। साढ़े ग्यारह मतलब that's the time then. Hello, so they have all of these pics laid out जो यहाँ पे खींची गई थी and I found mine. I look so cute. I love this. Now that the event is over, सारे awards वगैरह मिल गए हैं, तो they have opened up the bar and खाना वगैरह मिल रहा है. Finally, our starving hearts get to eat. शराबी बना देगी। शराबी तो है। शराबी कबाबी। यू गाइस, द इवेंट इज काइंड ऑफ ओवर एंड अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकती हूँ। वैसे मैं पूरा दिन काफ़ी रिलैक्स थी एंड इट वाज अ चिल वाइब, बिकॉज इस बार मुझे अपनी कोई एक्सेप्टेंस स्पीच देने का प्रेशर नहीं था एंड आई मेट सो मेनी पीपल। आई हैव मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग रील, आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द नाइट वॉज आई गॉट टू मीट सुमित व्यास। लाइक आई डोंट गेट स्टार स्ट्रक एंड नॉट टू से कि मैं उनको देख के भी नहीं हुई स्टार स्ट्रक, बट ही इज़ समवन, एज एन एक्टर मैंने उनको बहुत एडमायर किया लाइक TVF वाले दिन से, परमानेंट रूममेट्स एंड ऑल। So I was just really excited to meet him and I sent that picture to my mom. I talked to him, मैंने बोला उनको congratulate किया उनकी नई movie आ रही है भूमि के साथ and नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। So it was just so much fun hanging out and chatting with him. There were a lot of more celebrities, अर्जुन कपूर आया था, आदित्य रॉय कपूर आया था, all the girls went mad उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए, but I was just excited to see Sumit Vyas because I just truly respect him as an actor and बहुत ज़्यादा मज़ा आया। So yeah, this was a fun night. I didn't expect कि मैं बिल्कुल anxious नहीं होंगी। For the first time it was just so relaxing. I knew what was I expecting and मतलब क्या होता है, क्योंकि पिछले साल भी आई थी। So yeah, that is it. अभी हम थोड़ा मैंने टेबल पर सेटअप किया है। Look, I got a very cute photo. जब मैं एंटर की थी ना, तो मामा टीम ने मेरे को यहाँ भेज दिया था कि आप फोटो खिंचाओ अपने प्रॉप्स के साथ। सो दिस लुक्स वेरी वेरी नाइस। बस बाकी अब ये इवेंट का सिर्फ खाना पानी रह गया है, थोड़ा खाएंगे थोड़ा पियेंगे एंड देन आई विल गो बैक टू द होटल रूम। बट मेरी एनर्जी अभी इतनी हाई है, मेरी सोशल बैटरी बिल्कुल डाउन नहीं हुई है, सो आई माइट गो आउट, बिकॉज वॉट इज़ मुंबई विदाउट नाइट लाइफ। सो वी माइट गो आउट टू नाइट।
back in the room. I quickly changed, not removing my makeup because we have night plans with Ishan's friend Amulya. He actually lives in Mumbai and wo Delhi aata hai kabhi kabhi. So he is in Mumbai right now and he'll be leaving for Goa tomorrow. So I think it's the best time to catch up. We are just changing our clothes and picking up our bags. Auto karke jayenge. We have to go lower Parel se Andheri ki side kahin. So let's go. We came here in Mumbai Ganesh Chaturthi ke time pe. And I almost forgot how it feels like at night when you're traveling by cab or auto. It feels so safe. The wind is so cool. Matlab alag hi maza hai yaar yahan pe. I'm feeling on the top of the world. I feel on top of the world. Good morning, Mumbai. कल रात मैं 3 बजे वापस आई. This is the first time in my life कि ये दिल्ली की लड़की इतना लेट घूमी है और 3 बजे वापस आई है मुंबई में. सो वी जस्ट हंग आउट विद हिम. मैंने इतना कोई व्लॉग नहीं किया बिकॉज जस्ट बैठ के बातें ही कर रहे थे. बट इट वॉज सच अ फन टाइम. लाइक अपने दिल्ली वाले दोस्तों को मुंबई में मिलना, ऐसे घूम फिर के, लाइक वो अपने काम के लिए, हम अपने काम के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है. उसके बाद हम वापस आए, सो गए एंड सन इज़ गोइंग डाउन. आज बादल बादल भी है एंड सूरज भी आ रहा है, कभी जा रहा है. सो अभी बज रहे हैं 9. 3 बजे वापस आके मैं 7 बजे उठ गई थी. दैट्स हाउ माई स्लीप साइकिल वर्क्स. अभी शान उठाया. सो वी आर प्लानिंग कि हम बस ब्रेकफास्ट करने जाएं बिकॉज आई एम स्टार्विंग. लाइक मेरे पेट से ऐसे गुड़ गुड़ आवाज़ें आ रही है. सो आज का प्लान ये है कि पहले तो यहाँ से चेकआउट करना है. मुंबई आती हूँ एक रात, मुझे हमेशा हमेशा मरीन ड्राइव जाना होता है. वहाँ जाके बैठना होता है, लहरें फील करनी होती है. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस. सो ऐसे छोटे मोटे प्लान्स हैं टू जस्ट रेमिनिस एंड रीलिव आवर मोमेंट्स इन मुंबई. आई एम एट द ब्रेकफास्ट टेबल. क्या मस्त यहाँ का बुफे है. मैंने इतना बड़ा बुफे अपनी लाइफ में नहीं देखा है. हाफ वे थ्रू द काउंटर मेरी प्लेट पूरी फुल हो गई बिकॉज एवरी थिंग वॉज सो एपेटाइजिंग. ये मशरूम्स हैं यहाँ पे, पोटैटो वेजेस हैं, सॉसेजेस, बेकन, थोड़ी गुजराती डिशेस भी हैं, हैश ब्राउन है एंड वर्मिसली. लेट्स कम्प्लीट दिस नाउ. Is up. I just checked in Taj Lands End Bandstand Bandra पे है ये. So what happened was हम यहाँ पहुँचे and हम time से पहुँच गए थे. कभी कभी hotels में ऐसा होता है जब rooms खाली होते हैं तो वो अपने guests को, या फिर अगर आप history आपकी है Taj या किसी एक particular hotel की line के साथ book करने की, तो आपको as a valued customer upgrade कर देते हैं. So that's what happened. और हमको आज suite में upgrade कर दिया गया. मैंने सबसे basic room book किया था with breakfast क्योंकि कल हम यहाँ पर होंगे थोड़े time के लिए दोपहर तक. So आई थॉट कि ठीक है ब्रेकफास्ट कर लेंगे. बट वी गॉट अपग्रेडेड टू दिस मैसिव स्वीट. सो ये है फ्रंट, एकदम से यहाँ से एंट्री करते हैं. दिस इज द होल पैंट्री. लाइक दे हैव अ माइक्रोवेव हियर. मैंने रात को कुछ होम डिलीवरी टाइप की कराई, यहाँ पे मैं गरम कर सकती हूँ. सो दिस इज द होल पैंट्री. यहाँ पे कटलरी वगैरह एंड सारी क्रॉकरी दी हुई है. यहाँ सिंक वगैरह सब कुछ है, पानी है, डस्टबिन है. एंड देन यहाँ से निकलते यू हैव दिस ह्यूज डेस्क. यहाँ पे स्टडी है पूरी, फोन है. बहुत ही प्यारी एंड क्लीन वाइब है, न्यूट्रल वाइब विद टोन्स ऑफ ब्राउन. एंड देन दिस इज द ड्रॉइंग रूम, लिविंग रूम काइंड ऑफ एरिया. सो दिस हैज़ अ मैसिव मैसिव ह्यूज सोफा एंड पीछे कितने प्यारे पैनल्स लगे हुए हैं मिरर वाले. आई लव दिस. आई विश मैंने घर में ऐसा कुछ अपने कराया था. आई स्टिल कैन डू इट. एंड देन यहाँ पे वी हैव अ टेबल अगेन यहाँ बैठ के खाने के लिए. दिस इज द स्नैक एंड बार एरिया विच इज़ सो क्यूट. इतना मस्त लग रहा है ये. प्लस देन यू कैन सी अ फुल व्यू राइट हेयर ऑफ द बीच. कितना सुंदर लग रहा है यार ये. वैसे तो ये बीच नहीं है बट या बैंड्रा के बैंड स्टैंड का पूरा एरिया है. एंड इसी लेन में ना शाहरुख खान का भी घर है जहाँ पे आपको बहुत भीड़ यहाँ पे दिख रही होगी. लेट मी जूम यू गाइज इन. आई डोंट नो इफ यू गाइज कैन सी इट बट या दिस इज सो फ्रिकिंग ब्यूटिफुल. और वो वाला जो रूम था ना उसमें भी बहुत अच्छा व्यू था. बट मैंने वहाँ पे फोटोज़ ली थी जब तक हम अपने रूम चेंज होने का वेट कर रहे थे. दे इन्फॉर्म्ड अस कि हम आपको अपग्रेड करेंगे. सो ये हुआ एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया कि यहाँ पे आ गए. वो वाले रूम का व्यू भी बहुत अच्छा था. सो देन आप यहाँ पूरे ड्राइंग रूम एरिया से इस दरवाजे पे आते हो एंड इस दरवाजे पे घुसते यू हैव दिस बेडरूम. यहाँ से भी एक अलग व्यू दिखता है. यहाँ पे पूरा सोफ़ा एंड काउच रीजन है, टेबल वगैरह दिया है. दिस इज़ अगेन द व्यू फ्रॉम द बेडरूम.
एंड देन ये है बड़ा सा बेडरूम. दिस इज सो फ्रिकिंग नाइस. इतने प्यारे इसके कम्फी कम्फी गद्दे हैं. आई कांट वेट टू जंप इन दैट. मैंने सोचा रूम टूर कर लूँ बिकॉज ऐसा हमेशा नहीं होता कि अपग्रेड मिल जाता है. सो आई जस्ट रियली वॉन्ट टू शो यू गाइज कि क्या क्या लाइफ में होती रहती है चीज़ें अमेजिंग सी. एंड आई रियली लाइक दिस. पूरा शीशे का जो ड्रॉर है ना, आई लव दिस वाइब. एंड देन यू हैव दिस स्वीट का लंबा बड़ा बाथरूम. सो दिस इज द वैनिटी एरिया. यहाँ पे सारा शीशे की अलमारी है ऐसे स्लाइडर वाली. सो यू कैन लाइक एक्चुअली ओपन इट अप लाइक दिस. एंड आप सारा अपना सामान रख सकते हो एंड अपने बाथरूम वगैरह कपड़े टांग सकते हो. एंड वैनिटी एरिया में ऐसे हिज एंड हर्स का दिया हुआ है. आगे मिरर वगैरह है, डोर है पूरा, यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम. एंड यहाँ पे हमने अपने बैग रख दिए हैं अपने लगेज एरिया में. यहाँ पे अपना बिजनेस करने का है. दिस इज द शार. दिस इज सो क्यूट. लाइक लुक एट दिस amazing lighting and this brick wall. I love it. Shower bahut zyada pyara lag raha hai. And then you have a bathtub right here. सो या दैट इज़ द रूम, दैट इज़ द बाथरूम. मैं अभी इससे टक्कर खाने वाली थी, ये पीछे शीशा था. एंड गॉड मैंने देख लिया. सो दिस इज़ लाइक ह्यूज, दिस इज़ मैसिव. यहाँ पे भी एक बड़ा सा मिरर है. आई एम इन लव विद दिस रूम. मैं यहाँ पे थोड़ा आधा पौना घंटा रेस्ट करूँगी एंड उसके बाद वी विल जस्ट चेक आउट के हम टाउन जा सकते हैं या कहाँ यहाँ से जा सकते हैं. जूहू एरिया जा सकते हैं. आई एम नॉट अपोज टू एनीथिंग. लाइक अगर दूर भी जाना पड़े, आई नो टाउन यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मैं चली जाऊँगी क्योंकि आज का दिन है एंड मेरे को ना बगदादी में डिनर करने का बहुत ज़्यादा मन है. सो लेट्स सी क्या करते हैं. जस्ट अ चिल डे एंड आई एम जस्ट रियली एन्जॉइंग इट सो फार. बहुत ही अच्छी वाइब है इस रूम की. यू नो आई लव ब्राउन टोन्स एंड दिस इज जस्ट सच अ ब्यूटी. पहुँचते पहुँचते सुबको गए थे हम. वहाँ से हमने कॉफ़ी, कोम्बुचा और एक सैंडविच ट्राई किया था, विच आई डिड नॉट लाइक. आई मीन आई डोंट नो हाउ टू से इट पोलाइटली, बट काफ़ी अजीब सा था. सो हम आ गए अब यहाँ पे. एक डेढ़ घंटा लग गया है खाली पीली में आए हम. एंड नाउ आई एम गोना चिल हियर फॉर अ वाइल. उसके बाद हम देखेंगे कि बगदादी कब जा सकते हैं. अभी तो भूख भी नहीं लग रही है बिकॉज हम वहाँ से खा के आए थे. बट आई एम स्पेशली हेयर टू चिल एंड एन्जॉय द ब्रीज जो ओशन से आती है. लेट्स जस्ट सिट हेयर एंड रिलैक्स. ईशान ने यहाँ मरीन पे रेस्ट करने का एक नया तरीका निकाल लिया है. ही इज़ लाइंग डाउन पीछे एंड आई ट्राइड इट अभी. पूरा ऐसे पीछे यहाँ पे लेट के एंड आई एम गोना शो यू गाइस क्या व्यू है मेरा. दैट इज़ द व्यू. ये है आसमान. वेरी प्रिटी. द वर्ल्ड इज़ अपसाइड डाउन. अब हम चल के जा रहे हैं बगदादी की ओर, जो कि है हमारा रिचुअल. आई एम सो एक्साइटेड टू ईट दैट खमीरी रोटी जो बड़ी सी देते हैं ना. यहाँ से बगदादी जो नरीमन पॉइंट या फिर क्वींस नेकलेस वाला है मरीन का, इज़ 1.7 किलोमीटर्स. सो नॉट अ बिग डील. चल के चले जाएंगे, 20 मिनट लगेंगे. लेट्स क्रॉस द रोड. फाइनली आफ्टर 23 मिनट्स ऑफ वॉकिंग वी हैव ताज एंड हम आ गए हैं बड़े में और बगदादी वाली लेन में. हैव फाइनली रीच माई फेवरेट प्लेस बगदादी. बट कैन यू सी द क्यू हियर. बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है. आर यू एक्साइटेड? वेरी मच. बहुत वेट करने के बाद, बहुत चलने के बाद गर्मी में फाइनली हमें ऐसे शेयरिंग बेसिस पे टेबल. आई एम कमिंग आफ्टर लाइक आई एम कमिंग आफ्टर 2013 में आया था. तू? मैं नहीं आया था. अच्छा, 2013 में आया था. अच्छा, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ 10 साल पहले. स्पेशल बगदादी चिकन फ्राई विच इज ड्राई. चिकन इज हियर, मसाले वाला. दिस इज द थिंग जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं. बांद्रा से टाउन चल के मरीन से कोलाबा. द खमीरी रोटी फेमस ऑफ बगदादी. I
आज इतने दिनों बाद पार्टी हो रही है. Just wanted to acknowledge the fact that how affordable Baghdadi was. हमारा हमने इतना कुछ आज ठूसा है. एंड हमारा कितना 670 रुपीज का बिल आया है. व्हाट डिड वी हैव? वी हैड दैट बोटी ग्रेवी वाला थिंग विद दैट रोटी. उसके बाद हमने दो चिकन फ्राई लिए ड्राई वाले. देन वी हैड 3 कोल्ड ड्रिंक्स, एक कस्टर्ड, एक फिरनी. लाइक फुल मील, स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट, सब कुछ खाया, साथ में ड्रिंक भी. एंड 670 रुपीज. इट इज़ सो अफोर्डेबल. एंड वहाँ पे बड़े मियाँ, गोकुल, काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स हैं जहाँ पे आप अलग अलग तरह की डिशेस खा सकते हो. सो डेफिनेटली टाउन एरिया में इफ़ यू वॉन्ट ऑन अ बजट कुछ सही से पेट भर जाए. एंड अगर आपको स्पेशली दिल्ली के खाने की, दिल्ली के चिकन वगैरह, वैसे मसालों की आदत है, एंड इफ़ यू कम टू अ न्यू सिटी आपको थोड़े टेस्ट ना समझ आ रहे हो, दिस इज़ वन सेफ प्लेस जहाँ आप डेफिनेटली जा सकते हो. बांद्रा में दिस इज़ मन्नत शाहरुख हाउस, एंड हमेशा यहाँ पे लोग फोटो खींच रहे होते हैं. बाय बाय शाहरुख. Home, and I just wanted to sum this video up. I just want to tell you guys that this was the first event in a very long time, in actually my whole career, jisme main itna zyada comfortable feel kar rahi thi. I don't know what happened this time, since I don't have a practice of going to the event like you guys see other influencers. More power to them for going to each and every event. It's not easy. Since I don't go there, I am really out of practice, like how to meet people, kya baat karni hai, kya nahi karni hai, how to interact with brands. I just concentrate on my work. Like I'm just like, mujhe collaborations do, I only treated as a job ke mujhe apna video mein aur YouTube mein ya Instagram pe kya karna hai. Never ever thought of socializing, which is not necessarily a bad thing. It's great to have friendships all around, but I genuinely treated it as a job. Since I don't have a lot of friends in this industry, I always thought कि मुझे लोग ऐसे लोनर और एक वियर्डो जिसको एंग्जाइटी है और वो हर जगह जाके ऐसे बस खड़ी हो जाती है, या फिर वो बात करने लायक नहीं है किसी से, बिकॉज शी इज़ नॉट ग्रेट एट कॉन्वर्जेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, सो पीपल विल जज मी. सम पीपल रियली मेक यू फील गिल्टी अबाउट हैविंग एंग्जाइटी, एंड दिस टाइम देर वॉज नॉट इवन वन सिंगल पर्सन हु मेड मी फील दैट वे, एंड इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, वेरी प्लेजेंट. सो कोई भी क्रिएटर जिनसे मैं मिली हूँ जो इस ब्लॉग में है वो ये देख रहा है, तो थैंक यू सो मच मेरे को एकदम नॉर्मल फील कराने के लिए, बिकॉज यू ऑल वर सो 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 स्टनिंग, सो काइंड. नॉट जस्ट बिकॉज यू गाइज केम इन माई रील, बट ऑल्सो बिकॉज जो ऑफ कैमरा हमने बातें की है, एंड लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू गाइज बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड ऑल्सो द टीम जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, मामाअर्थ फेमिना टीम, देर ऑल्सो वॉर्म. मुझे अगर किसी टीम ने इन्वाइट किया, सो आई एम वर्दी ऑफ बींग इन्वाइटेड टू सच इवेंट्स. सो या आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू क्राई. या एज आई वॉज सेइंग, I would just really love to meet these people again. बाकी मुंबई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. I just love the city, and hopefully I'll go there soon because I just love 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 going back to the city. दो चक्कर तो मेरे हर साल लग ही जाते हैं मुंबई के. I hope you guys enjoyed this vlog. I hope you guys enjoyed seeing me going out of my comfort zone. May we do that more and more. And yeah, I'll see you guys next time. Bye bye.